हाँ भैया, ये इंस्ट्रूमेंट को जानते हो? ठीक, तो तुमने कहा हाँ, बुक्स में तो बहुत देखा हमने, तो अब बुक्स में देख के एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना समझ में आता है, वो तो करके देखना पड़ता है ना। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने किया ही ऐसा है कि सारी चीज़ खुद करके देखो, तभी सीखोगे, वरना फिर रिविज़न करते रह जाओगे। तो ये रिंच है और ये स्क्रू है, ठीक है। तो स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, नट बोल्ट बोलते हैं ना इसे, नट, ये नट है ये वाला, ये बोल्ट है। अब नॉर्मल तो बड़ी आसानी से घूमता है, पर जब भी एक बार किसी चीज़ में फंस गया तो फिर तुम हाथ से तो घुमा नहीं पाओगे, तो ट्राई भी मत करना कभी। तो इसके लिए अलग अलग किस्म की रेंच होती है ना। ये देखो, ये अलग किस्म की रेंच है, मतलब जितने टाइप के नट होंगे उतने ही टाइप की रेंच होगी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लग फंसाया जाता है इस पर नट में और ऐसे घुमा लिया जाता है, तो वह ऐसे घूम गया। अब घूमने के बाद क्या हुआ, तो फिर तुम अपना उसको हाथ से ढीला कर लो, खोल लो हाथ से। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब इसके साइंस देखते हैं ना, ठीक है। तो देखो, ये नट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से ऐसे फंसाया, ठीक है। तो जिस जगह से ये मूव नहीं कर रहा है, ये बेसिकली क्या हो गया? तो आपने बोला सर इसको हम हिंज मान सकते हैं। और ये क्या हो गया? बोले परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गई, ठीक है ना। और ये क्या हुआ? तो बोले फोर्स लगाया। अब ये देखो, तुमने ये फोर्स लगाया तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर सेपरेशन, और यहाँ पर ये इसकी ग्रूव में फंसा हुआ है। तो अब क्या होगा? तो जैसे ही तुमने ताकत लगाई, ये देखो, ठीक है, जैसे ही ताकत लगाई तो ये खुल गया, घूम गया, ठीक है ना। यानी जिसको तुमने ताकत बोलते ना, फोर्स, फोर्स ने अपने इफेक्ट को टॉर्क में कन्वर्ट किया, और टॉर्क में कन्वर्ट किया तो ये रोटेट कर गया और खुल गया। अब यहाँ पर हम ये बड़े स्क्रू को ट्राई करेंगे, है ना। और बड़े स्क्रू के साथ में मैंने हाफ रेंच ली है, ठीक है। दिस रेंच इज कॉल्ड हाफ रेंच, दिस इज फुल रेंच एंड दिस इज हाफ रेंच, माने जिसका कि ये लेंथ छोटा है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ? तो हमने इसको ऐसे फंसाया यहाँ से ऐसे, और खोलने की कोशिश करी। ये देखो, कोशिश करी और ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इतना बड़ा है, नाउ दिस नॉट मूविंग। अब क्यों नहीं कर रहा है? तो उसके लिए मैं बड़ा रिंच लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, बड़ा रिंच है तो मैं अपने आप समझ आएगा। अब ये मैंने इसको यहाँ से ऐसे करके फंसा दिया, फंसा दिया। अब देखो, मेरे पास परपेंडिकुलर सेपरेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हाफ रिंच। देखो, ये हाफ रिंच है, हाफ रिंच की ये इतना दूरी है, तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और फुल रिंच में यही डबल हो गया, ठीक है। अभी डबल हो गया तो क्या हो गया? तो मैंने जैसे ही उसको लगाया, ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से ये रोटेट कर गया, ठीक है। इसको अब लगाऊंगा तो मुझे उतना फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा, ये देखो, ठीक है। हाँ, इसके बाद जब ये घूम गया तो फिर आप इसको अपने हाथ से ही खोल सकते हैं। सो द टॉर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर सेपरेशन। सो ऑफकोर्स परपेंडिकुलर सेपरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल।